देश की आन बान और शान का प्रतीक है झंडा, और झंडा की ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है गर्व से हमारा सर उतना ही ऊंचा उठता नजर आता है। दुमका जिले में 100 फीट ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया है। बता दें कि झंडा 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है, जो दुमका के संथाल परगना का इकलौता रेलवे स्टेशन पर सांसद सुनील सोरेन द्वारा गणतंत्र दिवस पर लहराया जा रहा है। इस मौके पे दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि झंडा लगाने से दुमका वासियों के साथ साथ यहां आने वाले यात्रियों में राष्ट्रीय एकता की भावना बनी रहती है, साथ ही साथ एकता का भी परिचय दिखाई पड़ता है। दुमका के लोगों ने कुछ साल पहले ट्रेन को देखा है और यह ट्रेन प्रधानमंत्री रहते स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है, जिन्होंने दुमका को रेलवे का सौगात दिया है। वहीं सुनील सोरेन ने कार्यक्रम में उपस्थित DRM को निर्देश देते हुए कहा कि दुमका रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए जो मांगे रखी गई हैं उस पर तेजी से काम किया जाना चाहिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में इस तरह के हरेक रेलवे स्टेशन में तिरंगा झंडा फहराने का जो व्यवस्था किया है, निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कदम है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और यह झंडा जो है हमेशा लहराते रहेगा। और यहां पर सौभाग्य से रेलवे के पदाधिकारी हमारे DRM साहब यहां पर उपस्थित है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है रेलवे लाइन से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज से हमको लगता है कि 10-15 साल ही यहां के लोग रेलवे देख पाए हैं, रेल कैसा होता है वो देखा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जब यह देश के प्रधानमंत्री थे उसी समय जो है यहाँ का रेलवे लाइन का शिलान्यास हुआ था और आज उसी का ही देन है। सबरंग समाचार के लिए दुमका से राकेश की रिपोर्ट।